हेलो गाइस, कैसे हो सारे। उम्मीद करता हूं सारे लोग बढ़िया हो गए, आगे भी बढ़ा रहे। मैं हूं आपका होस्ट सम्राट, लेके आ गया आपके लिए न्यू वीडियो। और आज के स्टूडियो में लोग बात करेंगे लकी व्हील इवेंट के बारे में। उसके बाद हम लोग देखेंगे यार लकी व्हील में कौन कौन से बंडल्स आने वाले हैं। और यार सच बता रहा हूं, एकदम 100%। उसके बाद हम लोग बात करेंगे यार फ्री गन्स के बारे में, जो कि गाइस आप लोगों को आने वाला है दिवाली इवेंट के अंदर। और दिवाली इवेंट आप लोगों को बहुत जल्द देखने को मिलेगा। दिवाली रॉयल के बारे में भी बात कर ही लेंगे भाई, अगर कर ही रहे हैं तो। यार दिवाली इवेंट फ्री गन स्किन आप लोगों को मिलने वाले हैं गाइज, और 50% ऑफ भी आप लोगों को देखने को मिलेगा गन स्किन के अंदर। मतलब कि आप जो भी गन खरीदना चाहते हो उसमें आपको 50% ऑफ देखने को मिल सकता है। साथ ही साथ हम लोग अगला टॉप इवेंट कौन सा होगा उसके बारे में भी बात कर लेंगे यार, क्योंकि यार अगला टॉप इवेंट भी काफ़ी ज़्यादा यूनिक और बढ़िया होने वाला है। उसके साथ साथ हम लोग आगे चलेंगे और बात करेंगे यार आने वाले और भी सारे इवेंट्स के बारे में, क्योंकि यार आप लोगों को वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना है गाइज। तो जल्दी से अपना काम तो आप लोग कर ही लो, और बेल नोटिफिकेशन को ऑल सेट करना जरूर से। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं आए हुए न्यू टॉप अप इवेंट के बारे में। तो आप लोग देख सकते हो गाइस, यहां पे 100 डायमंड टॉप अप के बदले में आप लोगों को ये देखने को मिल रहा है, जो कि मेरे ख्याल से तो डिजर्व नहीं करता है गाइस। मैं भाई नहीं निकालना चाहता इसको, बट आपको अगर निकालना है तो आप लोग निकाल सकते हो भाई। वैसे भी मैं टॉप अप बहुत कम ही कर दिया हूं। इसके साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं गाइस अगला टॉप अप इवेंट कौन सा आ सकता है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, अगला जो टॉप अप इवेंट है गाइस, वो आप लोगों को डबल डायमंड टॉप अप इवेंट देखने को मिल सकता है, या फिर आप लोगों को देखने को मिल सकता है 100% बोनस टॉप अप इवेंट, जो कि मेरे ख्याल से काफ़ी बढ़िया सा टॉप इवेंट होगा। क्योंकि गाइज इसमें आप लोगों ना बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी, यानी कि आप लोगों को भाई साहब रिवॉर्ड्स तो डबल मिलने वाले हैं। इसके साथ साथ मैं आगे बढ़ता हूँ, बात कर लेते हैं फ्री गन स्किन के बारे में। तो गाइज यहाँ पे अपडेट्स निकल के आ रहे हैं कि आप लोगों को फ्री में गन स्किन मिलने वाली है। कब मिलेगी, कैसे मिलेगी, तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ गाइज कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो गाइज बहुत सारी गन स्किन। आप लोग वैसे तो भाई यहाँ पे तीन ही गन स्किन है, बट यार जब इन फ्यूचर आप लोगों को अपडेट देखने को मिलेंगे तो यहाँ पे और भी गन स्किन ऐड की जा सकती है। इसके अंदर आप लोगों को क्या देखने को मिल सकता है गाइस, तो इसमें आप लोगों को देखने को मिल सकता है काफी अच्छी चीजें। मतलब कि आप लोगों को ये देखने को मिल सकता है गाइस कि यहाँ पे गन स्किन बिल्कुल ही फ्री में दी जा रही है। तो अभी ये होगा कैसे भाई लोग, तो मैं आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दे देना चाहूंगा पहले ही कि भाई यहाँ पे बात तो ऐसे चल रही है कि आप लोगों को और भी चीजें फ्री में दी जाने वाली हैं। अभी यार अंदर की चीजें हैं भाई, ज्यादा बाहर नहीं निकल के आ रही है, बट हाँ इन फ्यूचर जैसे ही आएंगी मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। अभी हम लोग आगे चलते हैं, बात करते हैं वॉयलेट रिंग इवेंट के बारे में। तो गाइज आप लोगों को याद नहीं होगा तो मैं याद दिला देता हूं ना भाई, यहां पे आप लोगों को बहुत जल्द ये वाला इवेंट देखने को मिलने वाला है, जो कि काफी ज्यादा तगड़ा इवेंट है गाइज, और बहुत सारी चीजें इसके अंदर आप लोगों को फ्री देखने को मिल सकती है। एक्चुअली फ्री तो नहीं बोलेंगे गाइज, क्योंकि यार इसमें आप लोगों को ना अच्छे खासे डायमंड लगते हैं, और भाई जब भी लगता है ना भाई बहुत ज्यादा बुरा लगता है। आप लोग भी देख सकते हो गाइज इस इवेंट को, मेरे ख्याल से तो भाई बहुत बुरा लगता है इस इवेंट में, क्योंकि यार इसमें काफी ज्यादा डायमंड चले जाते हैं गाइज, और जब भी जाते हैं ना भाई दुख बहुत होता है, क्योंकि यार डायमंड की बात ही ऐसी है यार। आप लोग मेल एंड फीमेल दोनों बंडल्स को देख सकते हो, साथ ही साथ आप लोगों को एक गन स्किन भी देखने को मिल रही है, जो कि गाइस यहाँ पे है G18 की। भाई ठीक ठाक सी स्किन है यार, बहुत अच्छा तो नहीं बोल सकता, क्योंकि गाइस इसमें डायमंड जो लग रहा है, तो आप लोग देख ही सकते हो और बता सकते हो मुझे कमेंट सेक्शन में कि आप लोगों को क्या लगता है गाइस इस गन स्किन को देख के। और भाई मेरे ख्याल से तो ये गन स्किन ठीक ठाक सी है, रेंज आप लोगों को प्लस देखने को मिलेगा। उसके साथ साथ आप लोगों को और क्या देखने को मिल सकता है गाइस, एक बैकपैक देखने को मिलने वाला है, जो कि लेवल 1 लेवल 2 लेवल 3 पे मैं तीनों जगह पे आप लोग को दिखा दूंगा। बाकी बंडल की बात करूं तो भाई बंडल मेरे को काफी ज्यादा पसंद आया है, ओनली मेल बंडल, ठीक है, क्योंकि यार फीमेल बंडल की मैं बात ही नहीं करता, ठीक है, क्योंकि यार मैं बहुत कम ही फीमेल बंडल लेके खेलता हूं। बाकी आप लोग देख सकते हो गाइस और आप लोग बता सकते हो आप लोगों को कैसा लगा है। इसके साथ आगे चलते हैं, बात कर लेते हैं वॉयलेट में आने वाले और भी सारे अपडेट्स के बारे में, यानी कि और भी चीजें आप लोग को इसके अंदर देखने को मिल सकती है, जैसे कि पैराशूट वगैरह और भाई बैकपैक वगैरह भी देखने को मिल सकता है। साथ ही साथ आप लोगों को एक स्पेशल इमोट भी देखने को मिल सकता है भाई लोग। अभी यहाँ पे इमोट्स हैं या फिर और भी कुछ है गाइज, तो वो चीज़ें मैं आप लोगों को अभी बता नहीं पाऊंगा, क्योंकि यार यहाँ पे इसके लिए ना अभी थोड़ा सा वेट तो करना पड़ेगा अपन लोगों को, क्योंकि आप लोग भी देख सकते हो गाइज मेरे ख्याल से ये चीज़ें तो ठीक ठाक है, बट यार और भी चीज़ें आप लोगों को इसके अंदर देखने को मिल सकती हैं। तो आप लोग देख सकते हो गाइज यहाँ पे ओरियन का भाई यहाँ पे नया लुक देखने को मिलने वाला है, तो आप लोग देख ही लो गाइज। मेरे को तो लगा था गाइज की इमोट है, बट यार बाद में पता चला कि ओरियन का कुछ है। तो भाई अर्न वाउचर आप लोगों को 24 से लेकर 30 तारीख के बीच में देखने को मिलेगा, 50% ऑफ भी आप लोगों को बहुत जल्द देखने को मिलने वाला है गाइस सारे इवेंट्स के अंदर। तो आप लोग देख सकते हो गाइस, मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि आप लोगों को क्या लगता है इन सारे इवेंट्स में आप लोगों को क्या कुछ निकालना चाहिए। तो भाई यहाँ पे आप लोगों को बनी MP40 और गाइस यहाँ पे क्या नाम है इसका, अंडरवर्ल्ड ही था शायद से, तो भाई यहाँ पे ये वाला आप लोगों को M87 की स्किन देखने को मिलेगी। साथ ही साथ आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा, ये इवेंट भी आप लोगों को बहुत
बहुत जल्द हमारे सर्वर पे भी देखने को मिलने वाला है, क्योंकि बाहर के सर्वर पे ये आ चुका है, तो जाहिर सी बात है गाइस कि हमारे सर्वर पे ये बहुत जल्द देखने को मिल सकता है। अभी यार ये कंफर्मेशन तो मैं आप लोगों को नहीं दे सकता कि ये कब आने वाला है, बट हाँ यार बहुत जल्द आने वाला है, इसका मैं कंफर्मेशन आप लोगों को दे सकता हूँ। इसके साथ आगे चलते हैं, बात कर ले हैं फिश की स्किन के बारे में। एक्चुअली गाइस ये नया तो नहीं बोल सकते यार, बूया का है तो भाई पुराना ही है यार। बूया इवेंट में आप लोगों को ये इवेंट सॉरी ये पंच की स्किन देखने को मिल सकती है। फीस्ट की स्किन बोलो, पंच की स्किन बोलो, जो भी बोलो यार, बात तो एक ही है भाई, पंच हाथ में ही या फीस्ट हाथ में ही रहता है, तो भाई ठीक ही है यार। चलो मैं इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, क्योंकि भाई मैं फ्री के आइटम्स पे ज़्यादा फोकस करता हूँ यार, ये पैसे लगाने वाला काम में नहीं करता, ठीक है। बाकी आप लोग देख लो और बताओ मुझे कमेंट सेक्शन में कि आप लोगों को क्या लगता है। इसके साथ आगे चलते हैं, बात कर लेते हैं बनी बंडल के बारे में। एक्चुअली गाइस बनी बंडल से रिलेटेड बहुत सारे क्यूरीज आ रहे हैं, एंड भाई बहुत सारे लोग पूछ भी रहते हैं कि भैया बनी बंडल आपने बताया था लेकिन अभी तक आया नहीं, अभी तक आया नहीं। तो भाई मैं आपको बताना चाहूँगा गाइस कि मेरे को भी अभी तक पता नहीं चला यार कि भाई बनी बंडल आएगा कब, क्योंकि मैं खुद भी वेट ही कर रहा हूँ यार बनी बंडल का, क्योंकि मुझे भी निकालना है गाइस, तो यार थोड़ा सा वेट हो रहा है भाई। जैसे ही आएगा इन फ्यूचर मैं आप लोगों के साथ जरूर से शेयर करूंगा, ठीक है। बाकी आप लोग बनी बंडल को देख लो गाइस, एक लुक प्यारा सा जो कि आपके साथ में शेयर करना चाहूंगा भाई, काफी ज्यादा अच्छा लगता है यार मेरे को बनी बंडल, और ये वाला बनी बंडल तो भाई वन ऑफ द बेस्ट बनी बंडल्स है, क्योंकि इसका लुक्स ही खतरनाक लगता है। आप लोग देख लो गाइस और कमेंट सेक्शन में बताना गाइस कि आप लोगों को कौन सा बनी बंडल सबसे ज्यादा पसंद आया है। बाकी ये वाला बनी बंडल मेरे को बहुत ज्यादा पसंद आया यार, ये इन फ्यूचर क्या बोलूं गाइस, आप लोग ऐसा ही रख लो गाइस, 3-4 दिनों के अंदर अंदर आप लोगों को देखने को मिल सकता है यार। 3-4 दिन बोलूं या फिर कम बोलूं यार, क्योंकि भाई कभी भी डेट्स बढ़ भी सकते हैं और घट भी सकते हैं, आपको भी पता है। खैर फिर भी आप लोग देख लो भाई और बताना मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोगों को कैसे लगा है। इसके साथ आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं भूया बंडल रिटर्न के बारे में। एक्चुअली गाइस ये सेकंड बंडल है जो कि ईवो बंडल था, ठीक है, तो ये आप लोगों का सेकंड बंडल है। और देख लो गाइस मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आप लोगों को ये वाला बंडल कैसा लगा है। लिटरली गाइस यहाँ पे कोबरा बंडल के बाद यही वाला बंडल आया था, और भाई बहुत से भी ज़्यादा कैडी चीज़ लग रही है। मुझे पर्सनली ये बंडल काफ़ी ज़्यादा पसंद आया भाई, और इसके साथ साथ आप लोगों को एक और बूया बंडल देखने को मिलेगा जो कि मेरे ख्याल से कुछ खास है नहीं, मतलब मेरे को कुछ अच्छा नहीं लगता। बाकी आप लोग देख लेना, और आप लोगों को अगर पसंद आएगा तो भाई अच्छी बात है, और नहीं पसंद आएगा तो खैर क्या ही बोले। और बाकी आप लोग देख ही लो और होशियार हो यार, मुझे क्या बताने की जरूरत है, आप लोग ही बताओ यार कमेंट सेक्शन में कि आप लोगों को क्या लगता है। बाकी ये दोनों बंडल्स आप लोगों को मेल एंड फीमेल के नए बूया बंडल्स होने वाले हैं, जो कि अपकमिंग दिनों में आप लोगों को देखने को मिलने वाला है बूया इवेंट के अंदर। भाई मेरे को तो बूया इवेंट काफी ज्यादा पसंद आता है, क्योंकि यार उसमें भी आप लोगों को फ्री के बहुत सारे आइटम देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ आपको फ्री के आइटम्स के साथ साथ आप लोगों को यहाँ पर टोकन्स कंप्लीट करने के बदले में भी बहुत सारे आइटम्स दिए जाते हैं, जो कि मुझे बहुत से भी ज़्यादा पसंद आते हैं। बाकी आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आप लोगों को बूया इवेंट कैसा लगता है, या फिर दिवाली इवेंट आप लोगों को कैसा लगता है। इसके साथ हम लोग आगे बढ़ लेते हैं, बात कर लेते हैं दिवाली इवेंट में आने वाले कुछ न्यू आइटम्स एंड पुराने आइटम्स के रिटर्न के बारे में। एक्चुअली गाइस यहाँ पे राम जी वाला बंडल आप लोगों को बताया गया कि ये बंडल भी रिटर्न में आप लोगों को देखने को मिल सकता है। बहुत सारे लोग इसके रिलेटेड क्वेश्चंस कर रहे थे, तो मैंने सोचा यार कि भाई लोग बता ही देते हैं यार, यहाँ भैया अपकमिंग दिनों में आप लोगों को ये भी इवेंट देखने को मिल सकता है। बाकी मेरे ख्याल से तो भाई काफी ज्यादा अच्छा लगता है, यूनिक भी है भाई बंडल, देखने में भी प्यारा सा बंडल है। बाकी आप लोग ही कमेंट सेक्शन में बताना गाइस कि आप लोगों को ये बंडल कैसा लगता है, मुझे तो भाई बहुत अच्छा लगता है। और भाई आप लोगों को बताना है अब कमेंट सेक्शन में कि आप लोगों को ये बंडल्स कैसे लगे हैं। बाकी यहाँ तक कि सारी चीज़ें मैंने सारे अपडेट्स आप लोगों को दे रखे हैं, फिर भी आपके डाउट या फिर कोई भी क्यूरीज रह जाते हैं तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो गाइस, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए ही वेट कर रहा हूँ। और गाइस जाहिर सी बात है गाइस कि एक बंडल आएगा तो उसके साथ साथ आप लोगों को बहुत सारे आइटम देखने को मिलने वाले हैं। तो भाई लोग आज की वीडियो हम लोग यहीं पर रैपअप करेंगे, मिलेंगे आप लोगों से कल, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, गुड बाय, लव यू गाइस एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।